एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसा कि आप सबकी बहुत ज्यादा क्वारीज थी मैम, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, बताइए किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट, जो कि आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर में है, कि फार्माकोग्नोसिस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम यहाँ पे 2023 का जो आपका पेपर है फार्माकोग्नोसिस का, कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का आपका पेपर आया था। और ना ही सिर्फ यहाँ पे हम पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि ना सिर्फ क्वेश्चन, उनके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह का पेपर आया था और आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ें कि आप इतने अट्रैक्टिव लिख सकते हैं, या फिर जिनकी बैक है, जिनकी बैक लग चुकी है, वो किस तरह से आप अपनी बैक को क्लियर कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ाई शुरू करें कि यहाँ पे उनकी बैक क्लियर हो। तो यहाँ पे हम पूरे पेपर को समझेंगे, क्या वेटेज होता है, क्या पैटर्न आता है, किस तरह से यहाँ पे आप पूरे पेपर को लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या इनका इंस्ट्रक्शन है, क्या वेटेज होता है, कितने मार्क्स का पूरा पेपर होता है, कितना आपको समय मिलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरे पेपर का आपको इंस्ट्रक्शन वाला पेज है। हम यहाँ पे छोटे छोटे भाग को ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पूरे पेपर को हम ऐसे एक बार में डिस्कस कर ले पॉसिबल नहीं है, और ना ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम वन बाय वन पोर्शन को यहाँ पे चेक करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर का ये फार्मेसी का पेपर है, फार्माकोग्नोसी का, जिसमें आप यहाँ पे आपका कोड देख सकते हैं, मिनिमम मार्क्स देख सकते हैं, आपको 80 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे का। साथ ही साथ आप यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है, तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है, 5 क्वेश्चंस में भी कुछ पार्ट्स होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि आपका हर क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें साफ है इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला काम आपका ये है इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से पढ़ना। तो पहले क्वेश्चन में भी आपके कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप इनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है, अब आपको इन पार्ट्स पे नहीं जाना है, आपको इन 3 क्वेश्चन को देखना है, खाली ए बी सी। अब आपको इन 3ों में से जो आपको आता है आपको उसको अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम डिस्कस 3ों को करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं, और आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशंस क्या हैं फाइबर्स के। तो फाइबर आप यहाँ पे जान सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको प्लांट से मिलता है, एनिमल सोर्स से मिलता है, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और जो कि आप इसको कह सकते हैं फाइबर, जो कि आप इसको एक रेशमी के धागे कह सकते हैं, एक रेशमी की धागे जैसा होता है, जिनसे आपके यहाँ पे मेडिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपके ड्रेसिंग्स, कॉन यहाँ पे आपके कॉटन, ये सारी चीजें बनती है, आपके रेयॉन्स बनते हैं। ये सब क्या होते हैं, फाइबर्स से बने होते हैं, इनसे बने होते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है, साथ ही साथ कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन कितने हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे आपको कुछ फॉलोइंग टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका वीन आइसोलेट नंबर क्या होता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपका स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, और आपका ऑप्टिकल आपका रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब हम इसके बारे में जानने से पहले यहाँ पे हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि टैनिन्स क्या होते हैं। टैनिन्स अगर आप देखें, यहाँ पे आपका नेचुरल कंपाउंड होता है, आपका नेचुरल कंपाउंड होता है, हम पूरा ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे वीन टर्मिनेशन देख सकते हैं, जो कि एक नंबर होता है, यहाँ पे लीफ की सरफेस एरिया जो कि यहाँ पे होती है, आप एक पत्ती इस तरह की होती है, आप जानते हैं एक पत्ती इस तरह की होती है, तो आप ये भी जानते हैं। अब आपने मोस्टली ऐसे ऐसे देखा होगा, आपने पत्तियों को ऐसे ऐसे, लेकिन आप अगर पत्तियों को और ध्यान से देखेंगे, अगर आप पत्तियों को और ध्यान से देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे, आपको ऐसे 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 बॉक्सेस भी बने हुए मिलेंगे, आपको बॉक्सेस भी बने हुए मिलेंगे। तो ये जो लीफ का सरफेस एरिया है, इसी सरफेस एरिया को आइसोलेट नंबर कहा गया है, इसको ही क्या कहा गया है, आपका आइसोलेट नंबर, वीन आइसोलेट नंबर कहा गया है, ये होता है आपका वीन आइसोलेट नंबर। क्लियर, ये क्वेश्चन आप इस तरह से इसके बारे में और भी जानकारी लिख सकते हैं, ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया कि आखिर ये होते क्या है। नेक्स्ट आपका आता है, आपका था स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स ठीक इसी तरह से आता है आपका, यहाँ पे लीफ में आपकी कुछ सेल्स होती हैं, आपकी स्टोमेटल, इसके बारे में आपको ये लिखना, पूरा यहाँ पे इसका डेफिनेशन आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ आपका एक ऑप्टिकल रोटेशन भी था आपके यहाँ पे, जो कि आपकी पास हो जाती है, जो आपकी जो लाइट्स होती हैं आपकी लीफ की लेयर से पास हो जाती हैं। तो ये था यहाँ पे आपका, इसका ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था टैनिन्स।
टेनिन्स क्या होता है। तो टेनिन्स आप यहाँ पे जानते हैं, जो कि टेनिन एक यहाँ पे फ्रेंच वर्ड है जो डिराइव किया गया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पॉलीफिनॉल्स कहलाता है। पॉलीफिनॉल्स मतलब कि इनमें एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, जैसे कि OH, OH, OH। ये क्या है, एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे पॉलीफिनॉल्स कहलाते हैं। ये होता है हमारे टैनिन। इसके बारे में आप थोड़े उदाहरण के साथ और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मतलब कि आपको ये हायर प्लांट्स में से मिलते हैं, आपको ये हायर प्लांट्स में से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, जिसमें इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है कि आपको इसमें से, आपके सामने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है ए बी सी, इसमें से आपको केवल 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि राइट इन डिटेल अबाउट द फाइटोकेमिकल टेस्ट यूज फॉर ग्लाइकोसाइड और कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे आपको फाइटोकेमिकल टेस्ट क्या होता है ये मैं बताऊंगी। तो इनके फाइटोकेमिकल टेस्ट लिखने हैं, जो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोसाइड्स के लिए है। अगला क्वेश्चन है आपका, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताना है, संपूर्ण जानकारी देनी है, मतलब पूरा इसका डिटेल में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ डिजिटेलिसोसेना। ये आपके 3 क्वेश्चन है और 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो हम वन बाय वन इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर जानेंगे तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग, मतलब फाइटोकेमिकल टेस्ट क्या होता है। तो फाइटोकेमिकल टेस्ट अगर हम यहाँ पे देखें, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, कि अगर उसमें कोई कंपाउंड, कोई क्लास उसमें प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आप सपोज कर लीजिए आपके सामने ये ट्री है, अगर इस ट्री में आपको लगता है कि ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, फाइटोकेमिकल टेस्ट किया जाता है। फाइटोकेमिकल टेस्ट किया जाता है कुछ केमिकल्स के यूजेस पे, जैसे कि आपका सॉल्वेंट की मदद से। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को फाइटोकेमिकल टेस्ट किया कहा जाता है, जो कि यहाँ पे एक प्लांट में या फिर एक आप यहाँ पे एनिमल भी हो सकता है, इसमें कोई क्लास या फिर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है उसको पता करने के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड के लिए टेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपका टैनिन्स, फैनोन्स, फ्लेवोनॉइड्स, अल्कलॉइड्स, आपके फिनॉल्स, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स और आपके टर्पेनॉइड्स, इनके लिए आप यहाँ पे फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। ये था आपका यहाँ पे फाइटोकेमिकल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बारे में आप और नॉलेज लिख सकते हैं, लिखना ही है आपको, दोनों के बारे में बताने हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट और आपको अल्कलॉइड्स के, दोनों के ही यहाँ पे आपको कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको पता करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, और अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है इसको पता करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। देखा जाए तो दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो आप उनके बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हर्बल फॉर्म्युलेशन। हर्बल फॉर्म्युलेशन क्या होता है, हर्बल फॉर्म्युलेशन यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊंगी, लिखा हुआ है आपको पढ़ना ही है कि जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट बन रहा है आपके। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लांट है और इस प्लांट से आपका यहाँ पे एक तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, आप मान लीजिए क्रीम ही बन रही है, तो वो क्रीम यहाँ पे प्लांट से बनी है, तो ये है हर्बल फॉर्म्युलेशन, इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर ये मेडिसिन बनी है, ये है हर्बल फॉर्मुलेशन और कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे डिजिटलिस और सेना। तो आपको बस सिंपल कुछ नहीं करना है, इस तरह का एक टेबल बनाना है, यहाँ पे आपको ड्रग का नाम लिखना है, प्लांट का नाम डिजिटलिस और सेना, यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है ये लिखना है, यहाँ पे आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछना है ये लिखा, यहाँ पे यूजेस पूछा है आपको, यहाँ पे ये लिख देना। इसी तरह से टेबल बना के आप दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिजिटलिस्ट आपका यहाँ पे हार्ट से जुड़ी दिक्कतों में काम आता है, सेना आपका यहाँ पे लेक्सिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, आपके स्टमक से जुड़ी दिक्कतों में काम आता है। तो इतनी सारी चीजें, उसका कौन सा पार्ट, उसमें क्या केमिकल पाया जाता है जो कि यूज होता है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, राइट अ नोट ऑन। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी डी ई, आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से सभी के बारे में आपको नोट लिखना है, सभी पे आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी है, जरूरी बातें लिखनी है, लेकिन यहाँ पे किसी में से 4 को लिखना है खाली। अब आपके सामने ये 5 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5ों में से आपको ओनली 4 अटेम्प्ट करने हैं। आप यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से वो 5 हैं। थेरापेटिक एप्लीकेशन लिखना है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, रेजिन्स और रेजिन में क्या फर्क है, कॉम्बिनेशन आपको बताना है इसमें, सैंडलवुड ऑयल बताना है आपको, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी बताना है आपको, और माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर बताना है किसका, सेल
पैनल का बताना है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आपको पता है, आपको बोल गया, आप चलिए वन बाय वन इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल अगर मैं साधारण भाषा में यहाँ पे बताऊँ, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी को सेवरल डिजीज से बचाता है, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा को पूरा करता है न्यूट्रिशन लेकर। अगर आप हरी भरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी, जिससे आपको डिजीज हो सकती है। तो न्यूट्रास्यूटिकल उन डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल आप देख सकते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और आपको यहाँ पे सेवरल डिजीज, सेवरल साइड इफेक्ट से बचाता है, रेडियोथेरेपी से बचाता है। तो ये है इसका मतलब। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसके, थोड़े यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, कुछ यहाँ पे डाइट्स बता सकते हैं कि ये आपके न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेंगे। नेक्स्ट आपका वहां पे था सैंडलवुड ऑयल। क्या था सैंडलवुड ऑयल? यहाँ पे जो कि एक एंटीसेप्टिक और एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि आपके स्किन से जुड़ी दिक्कतों में भी काम आता है, और आपकी बॉडी में अगर कहीं सेप्टिक फैल रहा है तो एंटीसेप्टिक की तरह उस सेप्टिक को रोकने में और खत्म करने में भी काम आता है। साथ ही साथ ये एक तरह से स्टमक के पेन में, आपके यूरिनरी में, आपके जेनिटल डिसऑर्डर में, इन सारी प्रॉब्लम्स में भी सैंडलवुड ऑयल मतलब कि चंदन का तेल काम करता है। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं सूजन है, इंफ्लामेशन है, तो उसमें भी ये काम करता है। इसको आप पेस्ट की तरह लगाएंगे तो बिल्कुल ठंडे की तरह भी ये काम करता है। आपका ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि मैम पढ़े कहाँ से, पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, पढ़े कहाँ से, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। चलिए आज यहाँ पे डिस्कस भी हो गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आखिर अब हम इसी तरह के क्वेश्चंस आंसर्स के लिए कैसे हम पढ़ाई शुरू करें। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में है अगर आप, तो ये आपके लिए है मॉडल पेपर सेट ऑफ आपके ये सारे सब्जेक्ट्स के हैं, क्योंकि आपको सेट ऑफ 5 मॉडल पेपर्स हैं, आपकी हार्ड कॉपी बुक्स में सीधा आपके घर तक जाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज कि बच्चे हैं, उनको सभी बच्चों को सभी लैंग्वेज समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है कि सबको हिंदी में समझ में आ जाए, सबको इंग्लिश में समझ में आ जाए। कुछ बच्चे हैं जो कि हिंदी में समझ के अच्छा पेपर लिख लेते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश में समझ के अच्छा पेपर लिख लेते हैं। तो ये दोनों ही के लिए है, तो ये प्रॉब्लम खत्म आपकी कि मैम हमको हिंदी समझ में आती है, हमको कहीं हिंदी में नहीं मिलता है, हमको इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश में मिल जाता है लेकिन लैंग्वेज का बड़ा इशू हो जाता है, थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में मिलता है। कि आपके लिए आपको ये दोनों ही लैंग्वेज में मिल रहे हैं, और द बेस्ट पार्ट इज जैसे आप पेपर देख रहे हैं उसी तरह से आपको ये मिलता है, आपके वही पूरे एग्जाम पैटर्न एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग ये आपको मिलता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है, आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप से, वहां से आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, सभी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है, जल्दी से जाके चेक कीजिए। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है अटेम्प्ट एनी टू। अब अटेम्प्ट एनी टू में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफाइन इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, बहुत इजी है, और आपका डिस्कस इन डिटेल फिजिकल इवेल्युएशन। अब आप जानते हैं इवेल्युएशन क्या होता है अडल्ट्रेशन का पता करने के लिए, तो बिल्कुल जरूरी है अडल्ट्रेशन का पता करने के लिए। तो यहाँ पे इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन एक टेस्ट होता है, इवेल्युएशन टेस्ट भी आप कह सकते हैं, या फिर एक प्रोसीजर भी होता है जो कि मिलावट का पता करने के लिए किया जाता है ड्रग्स में, क्रूड ड्रग्स में। क्लियर? अब उसमें मैम फिजिकल इवेल्युएशन क्या होता है, तो जो कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की अकॉर्डिंग, जो ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग पता किया जाता है मिलावट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन द टर्म्स एडमिक्सचर, सुपोस्टिकेशन, डिटेरॉयशन या फिर स्पॉइलेज। इनका मतलब क्या है, इनकी परिभाषा आपको डिफाइन करनी है, आपको इनको 3-3 लाइन 4-4 लाइन्स में डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट यूजेस ऑफ चूर्ण, भस्मा एंड लेया। अब देखिए आपको 3 दिए हैं क्वेश्चन और 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो जो 2 आपको बेस्ट तरह से आता हो आप उन 2 को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है? तो चले, तो यहाँ पे हमने जान लिया कि वैल्यूएशन क्या है। अब हमारा तो सेकंड पॉइंट था सोफोस्टिकेशन। सोफोस्टिकेशन मतलब वो होता है, वो मिलावट, अब इसका दूसरा नाम है यहाँ पे इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब कि यहाँ पे जो अडल्ट्रेशन हो रही है वो जानबूझ के हो रही है, जानकर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये मिल्क है और मिल्क में आपने ऐड कर दिया वाटर, यू नो वॉट आर यू डूइंग, आपको पता है आप ये क्या कर रहे हैं। तो ये हुआ यहाँ पे जानबूझ के किया हुआ इंटेंशनल, मतलब कि जानबूझ के किया हुआ मिलावट। मिलावट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अडल्ट्रेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको सोफोस्टिकेशन यहाँ पे आ जाता है, सोफोस्टिकेशन अडल्ट्रेशन क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंटेंशनल ही पूछा गया जो यहाँ पे जानबूझ के किया है, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है डेटरोशन, आपका ये क्या होता है, तो यहाँ पे एक तरह से किसी भी एडमिक्सचर मतलब किसी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे किसी गंदी क्वालिटी को ऐड करना, मतलब कि किसी अच्छे आर्टिकल में, जैसे कि मैंने बताया कि मिल्क
कितना अच्छा है, कितना प्रोटीन देता है अपने आपको, कितना कैल्शियम देता है हमको, उसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं, वाटर ऐड कर दे रहे हैं। तो मतलब जितना न्यूट्रिशन उसने देना है, जितना कैल्शियम उसने देना, जितनी प्रोटीन हमारी बॉडी में आनी है उतनी नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वालिटी कम कर दी और क्वांटिटी बढ़ा दी, अपने प्रॉफिट के लिए हमारा लॉस कर दिया। तो ये इसलिए यहाँ पे होता है कि अच्छे आर्टिकल में गंदे आर्टिकल को ऐड करना। स्पॉइलेज आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे उसकी यहाँ पे क्लिनिकल केमिकल के थ्रू यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे उसकी और चीजें ऐड करके उसकी जो क्वालिटी है वो कम कर दी, कि जितना उसने यूज देना था, जितना उस ड्रग ने काम करना था, जितना मिल्क ने काम करना था, वो उतना काम नहीं कर पाया। तो ये था यहाँ पे स्पॉइलेज का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अटेम्प्ट एनी टू, फिर से अटेम्प्ट एनी टू, फाइव क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन। आपको फाइव ही अटेम्प्ट करने हैं लेकिन हम पूरे आठ के आठ पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बताना है आपको वॉलेटाइल और फिक्स्ड ऑयल में क्या होता है, और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग, जिसमें आपको डिस्कस करना है डिटेल में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, वो भी उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना है, हम इसको इसी तरह से जानेंगे यहाँ पे, कि हमारा फिक्स्ड ऑयल और यहाँ पे हमारा वॉलेटाइल ऑयल क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे वॉलेटाइल ऑयल वो होता है यहाँ पे जिसको अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे आप इस तरह से वॉलेटाइल ऑयल को खोल के रख देते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, मतलब कि ये उड़ जाएगा, ये होता है वॉलेटाइल ऑयल। फिक्स्ड ऑयल क्या होता है यहाँ पे, मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, पेट्रोल। आप देख सकते हैं पेट्रोल को अगर आप यहाँ पे रख दें रूम में, तो आपको विद इन 2 सेकेंड जैसे ही ढक्कन खोलोगे वैसे स्मेल आ जाएगी, वैसी, मतलब सेकेंड अगेन की तो बात ही छोड़ दी, जैसे ही खोला वैसे स्मेल आएगी। फिक्स ऑयल यहाँ पे आपको क्या होता है, एक तो फिक्स्ड, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, एक तो आपको ये यहाँ पे वेजिटेबल्स से मिलता है, सबसे पहली चीज जो इसका सोर्स होता है वेजिटेबल होता है। फिर उसके बाद अगर आप इसको रख देंगे, 10 दिन रख दीजिए, 15 दिन रख दीजिए, ये हिल नहीं सकता, ये मतलब उड़ नहीं सकता, इसको आप खोल के रखिए, इसकी स्मेल पूरे रूम में नहीं फैलेगी। तो ये होता है फिक्स्ड ऑयल। अब इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपका इसी में था वो क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट पार्ट था आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। तो फिर वही बात, ऑर्गेनाइज्ड, अब आप ये जान रहे हैं क्योंकि आप फार्माकोग्नोसिक पढ़ चुके हैं, आप उसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फार्माकोग्नोसिक में उन ड्रग्स पे बात करते हैं जो कि केमिकल्स हमको प्लांट से मिले हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वो होता है कि प्लांट का, ये प्लांट का फूल है, ये प्लांट की जड़ें हैं, रूट हैं, ये प्लांट का यहाँ पे पेड़ है, पूरा लीफ है। अगर इस टहनी से, इस फूल से, इस पत्ती से, इस सीड से, ये क्या है तो प्लांट का हिस्सा, पार्ट है ये, क्लियर। अगर इससे कोई ड्रग हमको मिल रही है तो वो है हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, वो है हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब मैम ये अनऑर्गेनाइज्ड, चलिए बता दीजिए अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल इसका अपोजिट मैं बताती हूँ। जैसे कि ठीक है, आप ये देखिए, सभी के घर में होता है एलोवेरा। एलोवेरा को काट के हम जो इसका जूस मिलता है, जो एलोवेरा का काट के उसका जूस मिलता है, वो जूस होता है अनऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि जो यहाँ पे ड्रग का एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे चाय बनाते हैं, चाय छानते हैं, जो छनता है वो होता है एक्सट्रैक्ट, वो होता है अनऑर्गेनाइज। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से वो ड्रग नहीं मिल रही है, वो उसके एक्सट्रैक्ट से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइड एलोवेरा जूस, जो जूस है उसका वो एक्सट्रैक्ट है, वो है अनऑर्गेनाइज। तो ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज था। अब इसी में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन बताने हैं। आप ये जानते हैं क्लासिफिकेशन जो कि जरूरी है, आपके फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपके अल्फाबेटिकल, आपके यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमिकल, ये सारे आपके क्लासिफिकेशन है। आपको इन सारे के नाम लिखने हैं और जिसमें से आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है कि आखिर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को किसके अकॉर्डिंग, किस थ्रू से हम यहाँ पे क्लासिफाइड करते थे, एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि फाइटोकेमिकल टेस्ट क्या होते हैं, यहाँ भी ठीक उसी तरह से है। यहाँ पे ड्रग यहाँ पे कौन से प्लांट में कौन सी ड्रग प्रेजेंट है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करके निकालें, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका एनालिसिस, उसका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी टेस्ट, ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये आपको सब कुछ लिखना है, कितने फॉर्मुलेशन होते हैं, किस तरह से होते हैं, किस तरह से पूरे टेस्ट को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आता है, राइट अ नोट ऑन एनी फोर विद एग्जाम्पल। अब आपके सामने यहाँ पे पांच है, पांच पॉइंट्स हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एड्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, कार्डियोटोनिक्स, विटामिन्स और एंटी डिसेंट्री। तो इसमें से आपको केवल चार अटेम्प्ट करने हैं और उदाहरण के साथ अटेम्प्ट करने हैं।
तो यहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल एड्स, जो कि आप जानते हैं, ये यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट नहीं शो करते हैं, ये मेडिकल प्रोडक्ट्स में काम आते हैं, आप ही जानते हैं। तो इसी के बारे में आपको लिखना है और इसके उदाहरण लिखने हैं। नेक्स्ट, आप ये भी जानते हैं कि एंटी हाइपरटेंशन मतलब कि यहाँ पे आपके जो ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है उसमें वो ड्रग्स, साथ ही साथ यहाँ पे कार्डियोटोनिक जो आपकी हार्ट से जुड़ी यहाँ पे दिक्कतों में फेवरेबल इफेक्ट शो करते हैं उसके लिए। यहाँ पे आपके हार्ट से जुड़ी दिक्कतों में काम करती है कार्डियोटोनिक बोलते हैं विटामिन, और आपके एंटी डिसेंट्री मतलब कि डायरिया, आप जानते हैं जब वॉटरी मोशन होने लगते हैं, डिसेंट्री उसी का एडवांस स्टेज है, जब आपको घंटे में ही आपको 10-10 15-15 बार जाना पड़े मोशन के लिए, तो वो हो गया आपका डिसेंट्री। तो इसके में आपको ड्रग्स लिखनी है, एग्जाम्पल्स लिखने, ड्रग्स वो केमिकल वाली ड्रग्स नहीं, ड्रग्स आपको प्लांट्स वाली ड्रग्स लिखनी है, आपको लेक्सिटिव वाली ड्रग लिखनी है, यहाँ पे डायरिया एंटी डायरिया और एंटी डिसेंट्री वाली ड्रग्स लिखनी है, वो ड्रग्स आपको लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अटेम्प्ट एनी टू। अब आपके सामने तीन क्वेश्चंस हैं, अब तीन में से आपको दो अटेम्प्ट करने हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, बहुत आसान, बड़े आसानी से लिख लेंगे आप इसको कि अडल्ट्रेशन मिलावट किस तरह से की जा सकती है। तो आप भी जानते होंगे, आपने भी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों को मिलावट करते हुए देखा होगा, तो आपको वो लिखने हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, सूचर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ सर्जिकल कैटगट क्या होता है इसके बारे में लिखना है, और थेरेपेटिक एप्लीकेशन लिखना है आपको बायोटिक और आपको प्रीबायोटिक पे, ये लिखना है आपको। सूचर्स जो कि आपके यहाँ पे टिश्यूज को टाई करने के लिए और स्विंग करने के लिए यूज होते हैं, सूचर लिगेचर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसी पे आपको सर्जिकल कैटगट के बारे में लिखना है। आपको यूजेस लिखने हैं जो कि आपके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन वर्म्स में काम आते हैं, गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करने के लिए आपके काम आते हैं, तो ये सारे यूजेस आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आंसर एनी टू। अब यहाँ पे ये एथ क्वेश्चन है, ये आपके एथ क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको पांच अटेम्प्ट करना होता है। ये आठवां क्वेश्चन है आपका, राइट द थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ ऑलिव ऑयल और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल और ऑलिव ऑयल का आपको जो आपके ह्यूमन बॉडी पे यूज है वो भी लिखना है, और जो कॉस्मेटिक यूज है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्किन से जुड़ी यहाँ पे जो, जैसे कि आपके ये मेकअप प्रोडक्ट्स में किस तरह से काम आ रहे हैं, आपके क्रीम प्रोडक्ट्स में आपके किस तरह से काम आ रहे हैं, उनके बारे में भी लिखना है। अश्वगंधा और तुलसी पे नोट लिखना है आपको, तो मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे नोट किस तरह से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टेबल बनाना है, और टेबल बना के आपको इस तरह से बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस, इस तरह से आपको इसको लिखना है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छे मार्क्स सबको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे में बेसिक प्रिंसिपल लिखना है आपको ट्रेडिशनल सिस्टम में। हर साल आपको इस तरह से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, आपको बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक टॉपिक्स है, ट्रेडिशनल सिस्टम, क्रूड ड्रग, क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, आपके यहाँ पे जैसे आप तुलसी अश्वगंधा देख रहे हैं, इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर इन टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे एक तरह से बहुत अच्छा वेटेज खो रहे हैं पेपर का। अगर इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से कर ले रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप कोग्नोसी में पास हो जाएंगे। देखा जाए तो बहुत ही एक तरह का डी फार्म का टिपिकल सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है ये। तो यहाँ पे होम्योपैथी, जिसमें यहाँ पे आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल मतलब कि इनका एक बेसिक सिद्धांत लिखना है, जिन्होंने कहा था लाइक कैन बी क्योर बाय लाइक, मतलब कि यहाँ पे बीमारी को बीमारी ही ठीक कर सकता है, ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि डिजीज यहाँ पे सिमिलर जो डिजीज का जो वायरस का डेड पार्टिकल है वही उसको खत्म करेगा। तो ये आप इस पे लिख सकते हैं, पूरा सिद्धांत आपको इनका लिखना है, इनमें क्या क्या बातें, किस किसने की थी, कब ये होम्योपैथी आया था, किसका ये सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम है, यूनानी का सिस्टम है, किसका सिस्टम है, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आता है कि मैम नोट्स कैसे बनाए, बिल्कुल ये एकदम अच्छा कॉमन डाउट है आप लोगों का कि नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, कौन से बुक से बनाएं, रेफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपके लिए है डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए है मास्टर नोट सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट के, आपके सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, आपके पूरे डाउट्स यहाँ से क्लियर होंगे। ये आपकी हार्ड कॉपी बुक्स में सीधा आपके घर तक जाएंगी। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी, वहां पे भी आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे डेली क्लासेस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल को, यहाँ पे आपकी डेली क्लासेस हो रही हैं, आपकी सब्जेक्ट की क्लासेस, आपकी एग्जिट एग्जाम की क्लासेस, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। आपकी स्टडी मटेरियल, आपको मॉडल पेपर, आपको यहाँ पे मास्टर नोट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नंबर भी दिया गया है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, सर्कुलर के लिए सबसे पहले यहाँ पे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स सर्कुलर आपको मिलता रहेगा। सभी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि मैम पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से पेपर आएगा और इन्हीं ही टॉपिक्स पे आपको डीपली स्टडी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड, थैंक यू।